फैक्ट्री में छापा पड़ा है, वही मीट की फैक्ट्री किसकी है और क्या पूरी कार्रवाई की जा रही है? इसमें कल रात को जो है जिलाधिकारी महोदय को सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई व्यक्ति सियाना रोड पर अवैध रूप से हड्डी गला करके चर्बी बनाने का काम कर रहा है और जिससे पूरे क्षेत्र में गंदगी फैली हुई है और वायु प्रदूषण हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। उसी के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था जांच के लिए, तो रात में हम और सीओ सिटी साहब यहाँ आकर के इसको चेक किए तो यहाँ बड़े पैमाने पर चारों तरफ हड्डियाँ फैली हुई थी और लगभग 31 ड्रम जो है सील्ड रखे हुए थे, जिसमें से 18 ड्रम में 200 लीटर के ड्रम थे, 1800 ड्रम में वो चर्बी भरी हुई थी और शेष 13 ड्रम जो है खाली पड़े हुए थे। तीन भट्टियाँ थी जिसमें से एक भट्टी में जो है चर्बी गलाई हड्डी गलाई जा रही थी और दो भट्टियों में तैयारी थी चर्बी गलाई जाने की। सर लगभग कितने समय से फैक्ट्री चल रही है? ये पोल्यूशन की टीम को बुलवाया गया तो उन्होंने बताया कि सितंबर में इनके विरुद्ध कार्रवाई करके इसको तोड़वाया गया था, भट्टियों को तोड़वाया गया था, पुनः इनके द्वारा जो है भट्टियों को संचालित कर लिया गया है, काम चलाया जा रहा है अवैध रूप से। इनके पास कोई लाइसेंस भी नहीं है और पब्लिक में भी काफ़ी आक्रोश यहाँ फैला हुआ है। सर ये चर्बी गलाकर जो ड्रम में भरते हैं इसकी खपत कहाँ करते हैं? ये अलग अलग उत्पादों को बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, जैसे साबुन बनाने में या जो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं उनके निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। क्या ये ढाबे में भी तो बेचा जाता है क्या? अब इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं कि कहाँ ये व्यक्तिगत रूप से कहाँ इसको ले जाते हैं। सर ये बताया जा रहा है बसपा नेता आए हैं महेंद्र सागर। हाँ, महेंद्र सागर का नाम इसमें आ रहा है, साहब बगल में उनका मकान भी बना हुआ है, उन्हीं के अहाते में ये फैक्ट्री चल रही है। उनकी पत्नी के नाम पूर्व में जो है ENGT द्वारा आदेश दिया गया था तो उस समय भी आकर के इसको बंद कराया गया। NDTV भारत के लिए बुलंदशहर से सिमरनजीत सिंह की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।